नमस्कार, बोल्डस्काई में आपका स्वागत है। देवउठनी एकादशी 4 नवंबर 2022 को यानी आज मनाई जा रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह सम्पन्न कराया जाता है। इस साल 5 नवंबर शनिवार को तुलसी विवाह कराई जाएगी। ऐसे में आपको बताते हैं कि तुलसी विवाह की कथा क्या है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। कहा जाता है कि उसकी पूजा से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की भी परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण भी उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होता था। एक दिन जालंधर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को भंग किए बिना जालंधर को परस्त करना नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की सारी शक्तियां खत्म हो गईं, जिसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु की खबर मिली तो वो बहुत निराश हो गई। इसके बाद वृंदा को उसके साथ किए गए छल का पता चला तो क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा, साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से भगवान विष्णु ने दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर बाद में उन्हें सीता का हरण के वियोग का कष्ट झेलना पड़ा। धार्मिक कथा है कि वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने ये प्रण लिया कि वो तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराएगा, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।